तो जरूरी है कि आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल हो। पेट्रोल होगा तो आप जो स्टार्ट करेंगे तो उस पर बैठ के बाजार जा सकेंगे, और अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है तो आपको इसका तजर्बा हुआ ही होगा। इसी तरह आज हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को जब हम बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, उस एम्पलीफायर में हम इनपुट सिग्नल दाखिल करें आवाज़ का, तस्वीर का, और वो एम्पलीफायर उस सिग्नल को अफजाइश करे, उससे पहले ज़रूरी है कि उस एम्पलीफायर को डीसी वोल्टेज यानी डीसी बायसिंग मुहैया की जाए, और उसके बाद आपका एम्पलीफायर इस काबिल हो सकेगा कि जब आप उसे इनपुट सिग्नल देंगे तो उसकी वो अफजाइश करें। आज हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को बतौर बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए हम एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं और ये एम्पलीफायर किस तरह फंक्शन करेगा, किस तरह काम करेगा। सबसे पहली बात मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस बीजेटी एम्पलीफायर यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डीसी वोल्टेज की जरूरत होगी। ये मैंने आपके सामने एक सादा कॉमन मीटर तर्ज का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाया है। इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एक लोड रेजिस्टर लगाएगी और 14 वोल्ट डीसी इसको मुहैया किए गए। इसके साथ ही साथ हमने ट्रांजिस्टर की बेस बायसिंग के लिए मुजाहम 1 और 2 जिन्हें हम कहते हैं बेस बायसिंग रेजिस्टर्स लगाए, और 14 वोल्ट की सप्लाई बेसिकली एक सप्लाई है, ये 2 वोल्ट सप्लाई नहीं है, वो मुहैया किए गए। अब इन 14 वोल्ट देने की वजह से 14 वोल्ट सप्लाई जो है, जैसे हम कहते हैं कि डीसीसी हमने मुहैया की 14 वोल्ट, ये मुहैया करने से इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर में से करंट गुजरेगी 3 मिली एम्पीयर, और ये जो लोड रेजिस्टर लगाया गया है 2 किलो ओम का लगाया गया है, और ओम्स लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई आर, आई से मतलब कलेक्टर करंट, आर से मतलब लोड रेजिस्टर, और जब कलेक्टर करंट यानी 3 मिली एम्पीयर और लोड रेजिस्टर 2 किलो ओम की मिकदारों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 वोल्ट आ गए। तो इस 14 वोल्ट में से 6 वोल्ट इस लोड रेजिस्टर के मबैन ड्रॉप हुए। और उसके बाद देखें कलेक्टर वोल्टेज, वीसी वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर टू अमीटर, अमीटर हमारा ग्राउंड है, तो 14 वोल्ट में से अगर हम ये 6 वोल्ट जो लोड रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुए हैं उनको माइनस कर दें तो बाकी हमारे रह गए 8 वोल्ट, ये हमारे कलेक्टर के वोल्टेज होंगे। अब बेस करंट हम अज्यूम की हुई है कि 60 माइक्रोएम्पियर इसमें से फ्लो कर रही है। अब 60 माइक्रोएम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और जो क्योंकि हमने अमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड किया है और जो बेस वोल्टेज होंगे वही दर हकीकत बेस टू अमीटर वोल्टेज भी हैं, और वही दर हकीकत इस मज़ाहम आर वन के क्रॉस वोल्टेज, इसलिए मैंने देखा है बेस टू अमीटर वोल्टेज या आर वन के मबैन वोल्टेज या बेस वोल्टेज है, ये आपके 0.6 है, और ये मिकदारें जो हैं लोड रेजिस्टर के क्रॉस 6 वोल्टेज, कलेक्टर करंट 3 मिली एम्पीयर, कलेक्टर वोल्टेज 8 वोल्टेज कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान, बेस वोल्टेज 0.6 वोल्टेज और बेस करंट 60 माइक्रोएम्पीयर। इन वैल्यूज को हम कहते हैं ये क्यूसेंट, क्यूसेंट मिकदारें हैं। क्यूसेंट मिकदारें वो जो सुकून की हालत होती है, जो कि खामोशी की हालत होती है, क्योंकि इनमें किसी किस्म की तब्दीली इस वक्त नहीं आ रही क्योंकि हमने इनपुट सिग्नल हमें दिया ही नहीं है। जब इनपुट सिग्नल देंगे तो इन क्यूसेंट मिकदारों या डीसी मिकदारों में तब्दीली होगी और उसके बाद सिग्नल आगे एम्पलीफाई होगा। तो ये तो हो गए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डीसी वोल्टेज में या करने, उसी तरह जिस तरह मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के उसको स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद
एम्पलीफायर को देंगे उसको इस एम्पलीफायर तक, इस एम्पलीफायर के इनपुट सर्किट तक मुंतकिल करता है। और दूसरा काम इसका क्या है, आपको पैसा का भाई, ये जो यहाँ पे फेस पे हमारे जो वोल्टेज होंगे डीसी वोल्टेज, उनको सोर्स से आइसोलेट करना, अलग करना। ये डीसी वोल्टेज जो है सोर्स की तरफ नहीं जा सकते हैं, एक इसका काम। और दूसरा काम कि जो एसी सिग्नल है वो ही सिर्फ कैपेसिटर में से होता होगा, कैपेसिटर के जरिए से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की इनपुट पे जाएगा। और ये एसी सिग्नल आपने यकीनन सर्किट्स में कॉमन जो आपके सर्किट है जब फर्स्ट ईयर में वन ऑफ फोर्स में पड़ा होगा कैपेसिटर का काम, तो सिग्नल को किस तरह आगे मुंतकिल करते हैं, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सिग्नल को बाईपास कर रहा है। वेल, सिग्नल इनपुट पर दाखिल हो गया, उसके बाद इसने इसको एम्पलीफाई किया और हमने देखा एक CC2 हमने कैपेसिटर लगाया, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर जो कि इस एम्पलीफायर का जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको आगे लोड तक मुंतकिल करता है। मगर चूंकि ये कॉमन मीटर एम्पलीफायर है इसलिए आउटपुट पर सिग्नल जो है वो हम देख सकते हैं इनपुट से 180 डिग्री फेस इन्वर्शन इन्वर्ट हो गया, हमें आउटपुट में ये सिग्नल मिल रहा है। अब ये अंदर इसके सारी तब्दीलियां कैसी हो रही हैं इसको हम देखते हैं। अब जो क्यूसेंट मिकदारें थी जब हम इनपुट सिग्नल देंगे इस पे 50 मिली वोल्ट का पी टू पी प्लस माइनस पॉज पी टू पी, तो उसकी इन क्यूसेंट मिकदारों में क्या तब्दीलियां आएंगी और किस तरह सिग्नल एम्पलीफाई होगा, इसको हम और ज्यादा बातचीत करते हैं और इस पर और ज्यादा के साथ रहेंगे। ये इनपुट सिग्नल, दिस इज इनपुट सिग्नल जो कि हमने ट्रांजिस्टर के इस कपलिंग कैपेसिटर के जरिए इसको धारण करना है। इनपुट सिग्नल ये 50 मिली वोल्ट का, और जब 50 मिली वोल्ट का सिग्नल इनपुट देंगे तो बेस पास इस वक्त बेस वोल्टेज कितने हैं हमने पहले देखा था 0.6 वोल्ट, यानी कि 600 मिली वोल्ट हो गए वो इसके बेस पे वोल्टेज है। और जब इनपुट साइकिल का इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इसमें 50 मिली वोल्ट का इजाफा होगा और इनपुट वोल्टेज आपके 650 मिली वोल्ट हो जाएंगे। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा यानी नेगेटिव 15 वोल्टेज मिली वोल्ट इसमें आएंगे इनपुट सर्किट पे, तो वोल्टेज जो है डीसी 600 मिली वोल्ट से कम होकर 550 मिली वोल्ट हो जाएंगे। यानी इनपुट सिग्नल के बढ़ने से बेस वोल्टेज भी बढ़ के इनपुट सिग्नल के कम होने से बेस वोल्टेज भी कम होंगे और इसका असर आगे जाके बेस करंट पे होगा। और होम्स लॉ का मतलब हमें पता है कि जब किसी सर्किट को वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ते हैं, उस सर्किट में से गुजरने वाली करंट जो है वो बढ़ती है, जब वोल्टेज कम करते हैं तो करंट भी कम होती है। इसी तरह से जब बेस वोल्टेज बढ़ेंगे तो बेस करंट भी बढ़ेगी। हमने यहाँ देखा था क्यूसेंट मिकदारों में कि बेस करंट की मिकदार यहाँ पे कितनी है जी 60 माइक्रो एम्पीयर, और 60 माइक्रो एम्पीयर बेस करंट है और इन इनपुट सिग्नल इनपुट 50 मिली वोल्ट पीक टू पीक देने से उसमें 40 माइक्रो एम्पीयर की वेरिएशन होगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो 60 माइक्रो एम्पीयर जमा 40 आपके 100 माइक्रो एम्पीयर कंट्रोल हो जाएगी बेस करंट, और जब माइनस 40 माइक्रो एम्पीयर की करंट बेस पे माइनस होगी आएगी तो 40 में 60 में से ये 40 माइनस कर देंगे तो 20 माइक्रो एम्पीयर हो जाएगी। उसके बाद हम कलेक्टर करंट की बात करते हैं, जब बेस करंट में तब्दीली होगी तो लाजमी कलेक्टर करंट में भी तब्दीली होगी। ओके, अब हमने देखा था कि कलेक्टर करंट पे जो क्यूसेंट में टर्म हमने देखा था 3 मिली एम्पीयर की करंट है कलेक्टर, और इसमें क्योंकि बेस करंट कम पेश होने से कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन होती है वो 1.8 मिली एम्पीयर की हो रही होती है, और इस सिचुएशन में इस वैल्यू से मुताबिक हो रही है, बाकी जहां कंडीशन चेंज होंगी तो ये तब्दीलियां भी चेंज होंगी। तो 1.58 के जब पॉजिटिव पोर्शन आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो 3 मिली वोल्ट 3 मिली एम्पीयर प्लस 1.8 मिली एम्पीयर हो जाएगा 4.8 मिली एम्पीयर, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस वक्त होगा हमारे पास माइनस 1.8 मिली एम्पीयर, इसका मतलब 3 मिली
जो है रिवर्स बाइस है, इसलिए इसको कहा गया है ये माइनस वोल्ट यहाँ दिखाए गए हैं। और ये आपकी तब्दीली जो है लोड सिस्टम में सारी मिकदारों के मुताबिक 3.6 वोल्ट की हो रही है, तो जब प्लस 3.6 वोल्ट ही होंगे तो माइनस 6 और प्लस 3.6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2.4। और जब हम माइनस 6 और ये माइनस इसमें 3.6 करेंगे ऐड अप तो ये हमारा जो माइनस 9.6 वोल्ट, ये माइनस 9.6 वोल्ट और ये माइनस 2.4 वोल्ट आ गया। और सबसे आखिर में जब बात करेंगे कलेक्टर वोल्टेज की, जो फ्यूजन मिकदार थी हमारे पहले कलेक्टर की वो 8 वोल्ट थी, और जब ये 3.6 वोल्टेज की स्विंग इसमें आ रहा है क्रम में, तो जब हमारा लोड के क्रॉस वोल्टेज जो है बढ़ जाएंगे तो कलेक्टर के वोल्टेज हमारे कम हो जाएंगे, जब लोड के क्रॉस वोल्टेज हमारे कम होंगे तो कलेक्टर के वोल्टेज हमारे ज्यादा हो जाएंगे। 8 वोल्ट तो पहले थे पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव 3.8 का स्विंग आएगा नेगेटिव कंपेयर ले लेते हैं, जब नेगेटिव का स्विंग आएगा तो हमारा 8 माइनस 3.6 का इनटू 4.8 आ जाएगा, और जब पॉजिटिव स्विंग आएगा तो 8 प्लस 3.6 11.6 वोल्टेज के हो जाएंगे। इसको सादगी से मैं आपके समाप्त कर दूं तो ये सारा इससे होगा, अगर मिकदारों को हम अगर मैग्नीट्यूड ना भी देखें तो ये इनपुट हमारा सिग्नल है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो इनपुट दिया जा रहा है जब उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो बेस वोल्टेज जो है हमारे देखें इंक्रीज हो रहे हैं, बेस वोल्टेज इंक्रीज होने से हमारी बेस करंट भी इंक्रीज हो रही है, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज क्रॉस आरएल वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट देखें बीसी कलेक्टर के वोल्टेज जो है वो कम हो रहे हैं, और ये कलेक्टर के वोल्टेज कम होते हुए आपको आउटपुट पे दिखाई दे पॉजिटिव साइकिल इनपुट पे, आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल, और जब नेगेटिव कोइंग साइकिल आएगा इनपुट पे जो हमने मुहैया किया है नेगेटिव कोइंग साइकिल, उस वक्त हमारी बेस की जो वोल्टेज होंगे वो भी कम होंगे, बेस की करंट भी कम होगी, कलेक्टर की करंट भी कम होगी, इस मुदाहमत आरएल के क्रॉस वोल्टेज हैं वो भी कम होंगे, और जब ये वोल्टेज कम हो जाएंगे तो कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं वो बढ़ जाएंगे, और आउटपुट हमें भी पॉजिटिव स्विंग में नजर आएगा। और इस तरह से एक बात यहाँ ये भी सीख रहे हैं कि कॉमन मीटर एम्पलीफायर में किस तरह से इनपुट सिग्नल जो है 180 डिग्री आउटपुट पे हमें आउट ऑफ फेज मिलता है। तो ये आज हमने जो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से पहले उसको डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी वोल्टेज देते हैं, उसकी बायसिंग करते हैं, उसकी क्यूजेंट मिकदारों को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वो पहले से जो मखसूस या तयशुदा क्यूजेंट मिकदारे हैं खामोश मिकदारे हैं उनमें तब्दीली होती है और सिग्नल इस तरह हमें एम्पलीफाई होकर मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो काम है जब आप प्रैक्टिकल क्लास में पहुंचेंगे तब काम तो ये सब मुमकिन होगा, तो हम इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब्स पे भी काम करेंगे जहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग को तरीकों को सीखेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस और कॉमन एमिटर सर्किट जो हैं इस पे हम उनको हुकअप करेंगे, इनपुट सिग्नल देंगे जनरेटर पे, आउटपुट पे ऑसिलोस्कोप से उनको देखेंगे, और फिर आप ये बातें जो सीख रहे हैं और तफसील से जान पाएंगे कि जो हम सीख रहे हैं वाकई ही ऐसा हमें होता है कि इनपुट पर जो सिग्नल हम देंगे सर्किट के वो हमें आउटपुट पे आउट ऑफ फेज होके मिलेगा। उम्मीद है कि आज जो हमने बातें डिस्कस की आपको उनको काफ़ी समझ आई होगी, आप इसको दूसरे और फिर इसको देख सकते हैं, कुछ सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए है।